हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीवी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज हायर का 190 लीटर का रेफ्रिजरेटर दिखाने वाला हूं, सो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ये हो गया 190 लीटर का फ्रिज जो हम लोग एक घर में यूज़ करते हैं, 190 लीटर 192 जैसे कि कोई भी फ्रिज यूज़ करते हैं। तो ये हमारा घर में जैसे कि 3-4 आदमी 5 आदमी के लिए ये बहुत ही अच्छा साइज़ है, मीडियम साइज़ का यही है। जैसे कि इससे छोटा आता 170 181, वो सब थोड़ा छोटा पाया जाता है। तो 3-4 आदमी या 5 आदमी के लिए एक फैमिली, छोटा फैमिली साइज़ ये फ्रिज है 192 लीटर का। इसमें बहुत सारे फैसिलिटी दिया हुआ रहता है, जैसे कि लाइट जाने के बाद 2 आवर्स बैकअप रहता है और आपका 7200 इसमें एनर्जी सेविंग रहता है, जो लाइट बिल 135 वोल्ट से चलेगा। फिर 10 ईयर्स वारंटी, कंप्रेसर ऑब्वियसली यार सब में मिलता है तो इसमें भी ज़रूर मिलेगा। अगर जैसे कि कोई पान दुकान में यूज़ करना है तो ये पान दुकान के लिए बहुत ही अच्छा खासा एक साइज़ है। इसका अंदर में ग्लास सेल्फ दिया हुआ है, जैसे कि दूसरे कंपनी का 190 लीटर में या 185 में क्या करते हैं कंपनी, वायर सेल्फ जो हम लोग बेसिकली जाली बोलते हैं, तो जाली यूज़ करता है। इसमें ग्लास टफन ग्लास दिया हुआ है जो अनब्रेकेबल है, साइड में बोतल गार्ड दिया है वो भी फाइबर सेल्फ दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा खासा फ्रिज बनाया हुआ है कंपनी ने। ये देखिए अभी इसका वेजिटेबल बॉक्स दिया हुआ है, घर में अगर यूज़ करें तो वेजिटेबल बॉक्स कहेगा, या अगर आप दुकान में यूज़ करते हैं तो इसमें आप फ्रूट्स वगैरह, ये फ्रूटी वगैरह अब इसमें नीचे रख सकते हो टेम्परेचर फूल दे के। अगर आपने कुछ सामान रखा, इसको आइस बनाना है, सो टेम्परेचर आप अगर फूल दे के इसको रखेंगे ये 1 आवर में आइस ज़रूर बना देगा, क्योंकि ये कंपनी बनाया हुआ है 1 आवर इन आइसिंग टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे इसका टेम्परेचर मिलाने का जगह दिया हुआ है, मौसम विंटर समर। और एक बात क्या है कि फ्रीज़र बॉक्स में जैसे कि आप सामान रखा है उसमें जैसे हम लोग बोतल रखता है कुछ रखता है तो आइस पकड़ लेता है, तो इसको ज़बरदस्ती खींचाई तो नहीं करता है, इसके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो टेम्परेचर मिला था उसमें एक बटन दिया हुआ है, बीच में उसको प्रेस करना है, ये अपने आप आइस मेल्ट हो जाएगा, आप इजी उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे कभी भी आप नाइफ़ और स्पून यूज़ नहीं करना है।